उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। परसों रात अचानक से एक दोस्त ने व्हाट्सएप पर एक कविता भेजी। कविता पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में थी। जो मेरी असमर्थता थी अपनी भाषिक ज्ञान की, जिसकी वजह से मैं वह कविता पढ़ नहीं पाई। दोस्त से फिर रिक्वेस्ट की कि उस कविता को वो पढ़ के सुनाए, और उन्होंने वॉइस मैसेज में उस पूरी कविता को पढ़ के सुनाया, जिसे पढ़कर उस रात मैं खुद भी परेशान हुई और सोचा क्यों ना उस कविता का को हिंदी में भी क्रिएट किया जाए, उसका तर्जुमा किया जाए। मुझे नहीं पता कि वह हिंदी तर्जुमा उस पंजाबी कविता के कितने पास तक पहुंच पाई है, पर मैं चाहूँगी कि मैं वह कविता आज आप लोगों के लिए पढ़ूँ। पर उससे पहले ये भी बताना चाहूँगी कि यह कविता मुझे मेरे दोस्त और कलीग जसप्रीत सर ने भेजी थी। लेखक का नाम हम पता नहीं कर पाए, इसलिए मैं उनका नाम अभी आप लोगों को भी नहीं बता पा रही हूँ। पर वह कविता जो आप सभी को पढ़नी और सुननी चाहिए, उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ऋतुओं के उदास होने पर बदल लिए हैं लिबास पतझड़ तक। ऋतुओं के उदास होने पर बदल लिए हैं लिबास पतझड़ तक ने, ऐसे उदास रुत में जश्न नहीं मनाए जाते। जहाँ शवों का मातम है एक ओर, वहां दिए नहीं जलाए जाते। इन उदास हवाओं में कैसे फसलें लहलहाएंगी, सभी रंग खो जाएंगे, हर चुनरी उदास हो जाएगी। हो रहा है ये जो भी अपने ही घर की बात है, वक्त सवार लो, वक्त को टालो ना। जहां शवों का मातम है एक ओर, वहां दिए नहीं जलाए जाते। इस उदास रुत में जश्न नहीं मनाए जाते। जो कविता अभी अभी मैंने पढ़ी, वो मैंने पहले भी कहा कि वह कविता मूलतः पंजाबी में लिखी गई थी, और पंजाबी भाषा पे मेरी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, गलतियों के लिए माफ़ी के साथ। यह भी गुजारिश है कि यदि किसी को मूल लेखक का पता चले तो ज़रूर बताएं। कविता कुछ यूँ है कि जग रुकता हूँ उदास, पतझड़ दें हूँ लिबास, जसन नहीं पाली दें, सिवियाँ दे बल दियाँ, दीवे नहीं बाली दें। इस हवा नाल नहीं फसला ने लहरा होना, हलकिनिया चुनिया दा रंग इक्को जिया होना। जो रो रहा है कोई अपना ही पैन प्रा होना, वक्त सवारी दे, वक्त नहीं टाली दे, सिवियां दे बल दियां, दीवे नहीं बाली दे, सिवियां दे बल दियां, दीवे नहीं बाली दे।